The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal dosto, main hu Dr. Paramjeet. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपके जॉइंट्स की। दोस्तों अगर जॉइंट के बारे में बात करें, जॉइंट प्रॉब्लम्स में क्या क्या किया जा सकता है, तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो इस्तेमाल की जा सकते हैं। हमने पहले एक बार कोलेजन टाइप 2 के बारे में बात करी थी, उसका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, कोलेजन टाइप 2 बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब टाइप करके। आज हम बात करेंगे ग्लूकोसामीन की। ग्लूकोसामीन सल्फेट या ग्लूकोसामीन बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है सप्लीमेंट्स में जॉइंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि एक नेचुरली ऑकरिंग केमिकल है जो आपकी बॉडी में आपके जॉइंट के आसपास फ्लूइड में, जॉइंट के कार्टिलेज में पाया जाता है। बेसिकली बनता कार्टिलेज उसी से है। और ग्लूकोसामीन नेचर में भी पाया जाता है आपके जॉइंट के अलावा। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट के जैसे यूज़ किया जा सकता है, ये लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है या फिर जो शेलफिश होती है उसकी जो शेल होती है उससे निकाला जा सकता है। सो ये नेचुरल, और भी बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं और ये लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। बेसिकली ग्लूकोसामीन सल्फेट में आता है फॉर्म में, हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में आता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन फॉर्म में आता है। तीनों में कुछ केमिकल सिमिलैरिटीज़ हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। मोस्ट साइंटिफिक रिसर्च जो है वो ग्लूकोसामीन के सल्फेट फॉर्म में हो चुकी है, और सल्फेट डाइटरी फॉर्म में, सल्फेट एडिशनल, इसके अलावा कई सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, जैसे कि MSM, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, कार्टिलेज जो कोलेजिन टाइप 2, और कैल्शियम सप्लीमेंट सारे ऐड किए जा सकते हैं वाइटामिन डी के साथ। सो जॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन जाते हैं ये सारे। एक तो नंबर वन, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का जॉइंट प्रॉब्लम है, चाहे वो आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करते हैं अपने जॉइंट को एक्सरसाइज करके, एथलीट हैं या कैसे भी, तो इसको ऐड करने में आपको कुछ बेनिफिट्स, बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नाउ ये कॉमनली यूज किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी जॉइंट की एडवांस्ड बीमारियों में, और इसका काफ़ी अच्छा साइंटिफिक एविडेंस भी है कि ये हेल्पफुल है। नाउ ये पूरी तरह से ठीक नहीं कर देगा, याद रखिएगा, ये पेन मैनेजमेंट, स्वेलिंग कम करता है, ये काफ़ी इफेक्टिव है टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स विच यू हैव। लाइकली, मोस्ट लाइकली ये सब रिसर्च में भी देखा गया है कि पेन और स्वेलिंग और जो आपकी इनएबिलिटी है वॉकिंग की, इसको ये काफ़ी हद तक रिमूव कर देगा, कम कर देगा, लेकिन जो आपकी एक्चुअल बीमारी है, जॉइंट स्पेस कम है, वो वैसी की वैसी रहती है, या थोड़ी बहुत प्लस माइनस उसकी जो डिक्रीज होने का रेट है वो स्लो हो जाता है, कि वो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी या स्लोली होगी, राइट। सो इसको होने के लिए आपको समय लगता है, 4 से 8 हफ्ते, यानी 1 से 2 महीना खाने के बाद उसका रिलीफ, बिकॉज ये अल्टीमेटली जाके कोलेजिन और बाकी ग्लूकोसामीन और बाकी सारी चीज़ों के साथ जॉइंट में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो ग्रो होने में उसको समय लगेगा, टाइम लगेगा वहाँ पे जॉइंट के अंदर जो स्वेलिंग कम होने में, वहाँ के फ्लूइड ग्लो होने में, जो भी आप कह लीजिए। तो इसको समय लगता है एक्ट करने में, लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है, पेन मेडिकेशंस और बाकी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के साथ दी जाती है कई बार आर्थराइटिस, जॉइंट पेन वाले पेशेंट्स को, राइट। और यहाँ पे याद रखिएगा, एडिशनल बेनिफिट दो तरीके से हैं, पेन और स्वेलिंग तो कम होती ही है, साथ में जॉइंट का ब्रेकडाउन और जो गेटिंग वर्स वाली बात होती है किसी भी बीमारी की, वो फिर स्लो कर सकती है, और आपको घुटनों का या किसी भी जॉइंट का ऑपरेशन, नी सर्जरी, रिप्लेसमेंट सर्जरी से थोड़ा ये दूर कर सकती है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ ग्लूकोसामीन एंड सप्लीमेंट्स विद ग्लूकोसामीन। सो इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च अभी चल रहे हैं, ज़्यादातर रिसर्च प्रॉमिसिंग है, लेकिन याद रखिए ये किसी भी आर्थराइटिस जैसी या कोई भी जॉइंट की बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है, मैनेजेबल बनाएगा। जब तक आप ये लेते रहोगे, जॉइंट आपका ठीक रहेगा। सो एक उम्र के बाद लिटरली सबको एक ग्लूकोसामीन सप्लीमेंट जॉइंट के लेना चाहिए, और अगर आप अपने जॉइंट पे बहुत ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं तो भी लेना चाहिए। इसके और भी बहुत सारे क्लेम्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च चल रहा है, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप किसी
दवा के वजह से आपको जॉइंट प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आप कोई एरोमेटेज इनहिबिटर ले रहे हैं, अथाइजिया हो रहा है, स्टीरोइड ले रहे हैं, तो उसमें भी ये कुछ हद तक बेनिफिशियल पाया गया है। हार्ट डिजीज के लिए भी देखा गया है कि रिस्क थोड़ा कम करता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है किस डोज पे कितने दिन तक खाने पड़ेगा वो चीज़ के लिए। सर्जरी के बाद रिकवरी में बेटर फील होता है, बेटर करता है, जॉ पेन या जॉइंट पेन, वेट लॉस, ऐसी कई सारी सिचुएशंस में ये बेनिफिशियल इनिशियल रिसर्चेस में पाया गया। अभी रिसर्च अभी चल रहा है। सो कैसे काम करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये आपके जॉइंट के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक है, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज और जो फ्लूइड बनता है जॉइंट के आसपास, ये इसी से ग्लूकोसामिन से बनता है। ग्लूकोसामिन के अलावा वहाँ कॉन्ड्रोटिन सल्फेट होता है, MSM का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पर, और कैल्शियम, विटामिन डी और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये सब तो है ही जो साथ में आपके। इसीलिए जितने आप सप्लीमेंट्स देखोगे जॉइंट के, उनमें ज़्यादातर इन सबके कंपाउंड होते हैं, ज़्यादातर इनके जॉइंट प्रोडक्ट होता है इसके सारे, ठीक है। सो बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। वैसे तो मोस्ट लाइकली इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार के एक सप्लीमेंट को लेने के बाद कभी कभी पेट अपसेट हो सकता है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस हो सकती है, किसी को रिएक्शन हो सकता है अगर आपको इस चीज़ से एलर्जी हो तो। याद रखिए, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, अस्थमैटिक है, तो आप अपने डॉक्टर से अगर ये दवाई ले रहे हैं तो फिर हमें नहीं पता है कि आपको इससे एलर्जी है कि नहीं, तो ट्राई करके लीजिए, राइट, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद में अगर हम बात करें प्रिकॉशन की, तो दो प्रकार की मेडिसिन हैं। एक तो हो गई आपकी पेन किलर्स, जो पेन किलर मेडिकेशन है इसके साथ में नहीं लेंगे तो एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और ब्लड थिनर्स, वॉरफरीन या ब्लड क्लॉटिंग की जो आपकी ये है वो भी इसके साथ ना लें तो बेहतर है। सो इसका जो डोज है, इफेक्टिव डोज अगर देखा जाए तो 500 मिलीग्राम 2 to 3 times a day 500 मिलीग्राम 2 to 3 times a day चलता है डोसेज, और जो चलता है 1500 मिलीग्राम भी आप पूरे दिन में आप बेसिकली ले सकते हैं, या 1000 to 1500 मिलीग्राम तक। सो ये ग्लूकोसामिन का है, लो डोज में भी आप ले सकते हैं, बेसिकली इसमें ये नहीं फर्क पड़ता कि आप 1 to 1500 तक मिलीग्राम तक ले सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए या किसी और बीमारी के लिए इसको ऐड किया जा सकता है। सो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, तो एन वेदा का जॉइंट सपोर्ट कैप्सूल्स आता है। इसमें ना सिर्फ ग्लूकोसामीन है आपके जॉइंट्स के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, साथ ही कोलेजन टाइप 2 भी अवेलेबल है, इसमें कैल्शियम भी आपको मिल जाएगा, सिट्रेट, एस्कॉर्बेट दोनों ही, और MSM। तो एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो आप ऐड कर सकते हैं अपने जॉइंट के लिए। अगर आपको आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, आप कोई स्पोर्ट्स में है, आपको जॉइंट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो दिस कैन बी यूज्ड। और ये आप 2 capsules दिन में 3 times 2 times ऐसे ले सकते हैं। इसके अंदर ग्लूकोसामीन 250 milligrams है एक कैप्सूल में। सो आपको 2 capsules दिन में 2 times से शुरू करिए, अगर आपको फिर भी आराम ना मिले तो 3 times ट्राई कर सकते हैं, या 3 times से शुरू करके धीरे धीरे 2 times पे आ सकते हैं। तो एक अच्छा सप्लीमेंट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छे डिस्काउंट में भी आपको मिल जाएगा, नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ट्राई करिए एंड लेट मी नो हाउ वेल यू ये सूट करता है। इसके कोलेजन कंटेंट के बारे में भी हमने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है, कोलेजन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, इसका हम नीचे आपको लिंक दे देंगे, ज़रूर बाय करिए। और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जॉइंट के लिए, देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। दिस इज डॉक्टर परमजीत साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्ट।